ਸਰ ਸਿੰਧ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਵੋ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਸਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਯਹੀ ਮਸਲਾ ਰਹਾ ਹੈ आज आज भी देख लो आज से 50 साल पहले भी देख लो यही मामला था यकीन ना आए तो ये देखो ये खबरें सुन लो ये 50 साल पुरानी खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खबर नाका के साथ मैं हूँ सफदर बुखारी और मैं हूँ दुरे शहवार। अमेरिका ने वियतनाम से इनखला का इंदिया दे दिया है। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि वो ऐसे नहीं अपने तमाम छोटे बड़े बम समेट कर जाएगा। कैसे बेवकूफ लोग आए बम कैसे समेटे जा सकते हैं। यानी जो बम चल गए वो तो चल गए अभी उसको क्या समेटना है और कहां से पैसा तो गया। वैसे कहते तुसी ठीक है उदों वियतनाम चो निकलन दा रौला सीगा हुण अफगानिस्तान चो निकलन दा रौला है। लेकिन एक फर्क है हमें कहते हैं डू मोर उन्हें कहते थे नो मोर नो मोर। कोई गल नहीं जो बचे हैं बम समेट लो दिले रेजा रेजा गमा दिए। सर अमरीका ने ज्यादा इज्जत किथे गवाई है वियतनाम या अफगानिस्तान। अमरीका ने सबसे ज्यादा इज्जत गवाई है पाकिस्तान। ओ किस तरह जी ओ इस तरह के तू डॉलर भी खा गया है ते अमेरिका दी इज्जत भी नहीं करता। इतना अरसा हो गया तो शहर च भी अमरीकी बशिंदा देखे है नहीं इज्जत बचा के बैठे हुए है। तेरे वर्गा ते खोते तो भी डिग पाए ते अमेरिका ते इल्जाम ला देता है। ओ सर जी खोता अमरीका च बड़ा मशहूर है उन्हां दी पार्टी दा निशान है। बेटे ओ अमरीकी खोता है तू पाकिस्तानी आई। हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। इस मकसद के लिए 500 क्रैक भर्ती भी कर लिए हैं। इनमें मशहूर मीदा क्रैक भी शामिल है। अब देख ले फर्क क्या है उस वक्त में और आज में कुछ भी नहीं। उस जमाने से देखे कितने क्रैक भर्ती हुए हैं लेकिन आज तक क्रैक डाउन हुआ नहीं। हमारा कोई नया मसला नहीं है वही मसले हैं जो चलते आ रहे हैं ना पहले हल हुए ना एक मरतबा आप हल करोगे हमेशा के लिए हल हो जाएगी। उत्ते कोई क्रैक नहीं ना बैठा होया सीगा उत्ते कोई क्रैक बैठा होवे ता थल्ले सारे ही क्रैक डाउन हो जाते हैं। सही कह रहा है सही कह रहा है इसे कहते हैं ट्रिकल डाउन क्रैक। वैसे हल्के जे क्रैक हल्के जे क्रैक थे सारे ही हो मैंने हल्का जहा क्रैक थे तू भी अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बत्रूस गाली ने कहा है कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का हक तस्लीम करते हैं। हक सिर्फ तस्लीम करते हैं देंगे नहीं ये उन्होंने दिल में कहा। हक तो सारे ने दिता पर किराया किसी ने नहीं इस तस्वाबे राय इस तस्वाबे राय इस तस्वाबे राय। और वजीर आजम पाकिस्तान इज्जत माब जनाब ने अपने मुखालफीन को कोडू दीमा टिंडा चुआ मुदा बंटी बबली के नामों से मुखातिब करना शुरू कर दिया। अच्छा ये देखे दीबा टीडा बूझा बूदी ये कुछ कहना शुरू कर दिया है ये इसका क्रेडिट इमरान खान को नहीं जाता। ये जो कहते हैं ना कि बदजुबानी सारी की सारी इमरान ने फैला दी है ये तो 50 साल पहले से होता आ रहा है। जी थर्डी पार्टी वाले भी तेंजी करते रहे हैं इस शहबाज शरीफ साहब ने कफा नहीं खोलनी है शुरू तो ही खुली है। हाँ हम मुजब्बत करते हैं इंसान से गलती भी हो जाती है। मोहब्बत में नाकामी पर एक मनचले ने दरिया में छलांग लगा दी नहाने के बाद 2.5 किलो मैल उतर गई। इस अहम संगे मैल को अबूर करने पर वजीर आजम पाकिस्तान और सदर मुमलिकत ने खिराज तहसीन पेश किया। संगे मैल अबूर करने पे अच्छा ये आसान बात नहीं थी अपने जिस्म की मैल भी उतारना और अपने रूह की मैल भी उतारना। अच्छा जी दिल की मैल भी उतर जाती है। हाँ दिल की मैल तो उतर जाती है लेकिन एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है तेरे वर्गा थे वैसे ही चिकड़े च पैर पा के गंदा कर लेता है। और सर ताडे दिल च ते हुण कोई मैल नहीं ना नून लिका से लून तो शीशे का गिलास साफ कर दिंदा दिल तो कोई चीज ही नहीं है। अच्छा नून लीक दी गल हो
ओए हमारे दिल में अगर उनके लिए कोई मैल होता ना तो हम उनको सेनेट का इलेक्शन लड़ने का कहते, ना जिमनी इलेक्शन लड़ने का कहते। समझ में आई मैलिया? बातें करती है तेरे मुंह मैल बहुत सोहनी लगती है। तू किसी से बड़े मैल न्यूट्रिशनिस्ट हो ना। बीवियों ने अथरे शोहरों को असील कुकड़ों से लड़ाने की मुहिम का आगाज कर दिया। कुकड़ हड़ताल पर चले गए, शोहर डरबो में। इसमें नई बात क्या है, शोहर बेचारा तो होता ही डरबो का है। वैसे उन्होंने मर्दा की कलगी तो देसी कुकड़ा नालों उच्ची होंदी सी। सारे जमाने का गुस्सा घर आके कढ़दे सी। हुण ते बंदे बलैलर आ गए ने जी, एक दबका वजे धौण थले सुन लैंदे ने, लो जी छुरी फेर लो। बेटा धौण ते पहले डिगी होंदी है, आप थले जा पैंदे। उसे कहते थला थले लग जा चुनू। अच्छा जी एक मिनट शबाना जी, ये तो बताए जितनी आपकी आवाज में एक पुख्तगी है, यकीनन आपने बहुत ज्यादा रियाज किया होगा, तो रियाज करने के लिए तो आपको कम से कम आबादी से 2.5 लाख किलोमीटर दूर कोई जंगल चाहिए होगा, जहां दूर दूर तक आबादी इंसान टाइप की कोई चीज ना हो, जो क्योंकि आपकी आवाज ही इतनी है इंसानी आबादी में तो मुमकिन ही नहीं है। फर्क ये है कि अभी तो जंगल तो फिलहाल ख़त्म ही हो चुके हैं, बंदा कहाँ जाए, हर जगह तो आबादी है, तो अभी आबादी में रह के ही हमने ये रियाज वगैरह करनी होती है, तो करनी पड़ती है हमें, चाहे लोग तंग आए, चाहे हंसी या रोए, हमने तो अपनी रियाज करनी होती है।